आज स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ की क्लास। कल हमने प्रीवियस वीडियो में कोरल ड्रॉ में माइक्रो आपको बताया, माइक्रो को क्रिएट करना और उसको यूज करना। मैंने आपको टूल्स भी दूँ इसके अंदर माइक्रो, जो हमने माइक्रो क्रिएट किए हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, एक बार माइक्रो क्रिएट करने के बाद हम उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। आज जैसे हमने फिर से कोरल ड्रॉ स्टार्ट किया, पिन किया, और जो कल के माइक्रो थे उसको हम यहाँ से रन कर सकते हैं। वो डिजाइन हमको दोबारा डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है, हम वहाँ से माइक्रो को रन कर देंगे, ऑटोमेटिक वो डिजाइन हमको मिल जाएगा। ये रोल होता है इसका माइक्रो। इसके साथ मैं कुछ आज आपको और बताने जा रहा हूँ। ये मैंने एक पेज इंसर्ट कर लिया और इससे मैं आज आपको एक टूल्स के बारे में बताऊंगा जिसको हम यूज करेंगे, स्मार्ट टूल्स। यहाँ पर मान लीजिए हमने एक सर्कल लिए और यहाँ पे एक डिजाइनिंग किया, इसको कलर कर देता हूँ मैं। इसकी आपको कॉपी बनाना है और कंट्रोल वी इसको पेस्ट कर देना। कंट्रोल सी और कंट्रोल पी, ओके, और इसको रखते हैं या फिर कंट्रोल को प्रेस करके आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल बी, जितने बबल्स बनाना है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी कंट्रोल बी ये हमने बना लिया, ओके। एक साथ इनको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और इसको ड्रैग करके हम यहां पे रख दिए, ओके। एक साथ सेलेक्ट किया, कॉपी किया, ड्रैग करके रख दिया, थोड़ा सा इसको मैंने छोटा कर दिया। ओके, कलर चाहा तो मैंने यहां से चेंज कर दिया। अब देखिए इस साइड मैंने ये बना दिया और यही बबल इधर छोटे साइड में बना दिया। अब देखिएगा, आपको मैं एक टूल्स जो बताने जा रहा हूँ, आप जाएंगे यहाँ पर ड्रॉप शैडो में और यहाँ पे एक टूल्स आपको दिखेगा ब्लेड, इस टूल्स को आपको यूज करना है, ओके। और यहाँ पर रख कर यहाँ पे छोड़ना, ऐसे इस पे यूज करना है आपको, ऐसे आपको यूज करना है। मैं कुछ नहीं कर रहा, कोई कीबोर्ड से की प्रेस नहीं कर रहा हूं,
यहाँ पे क्लिक किया, टूल्स को सेलेक्ट किया और इसको छोड़ दिया। अब जैसे एक बबल्स बच रहा है, यदि इसका भी हमको क्रिएट करना है कर सकते हैं, या इसे बबल्स क्रिएट करना है क्रॉस बबलिंग, तो वो भी हम नहीं भी, तो इसको हम नहीं भी कर सकते, इसकी हम डबल कॉपी। Okay. जब आपका ये टूल्स डिजाइन हो जाता है तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं क्लॉकवाइज डिफरेंट कलर में। ऐसे आप यहाँ से चेंजेस करके देख सकते हैं जो भी आपका सेलेक्टेड होगा, कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको बनाना है वो भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। नंबर ऑफ कलर्स, ओके, स्लीपिंग, कैंसिल भी कर सकते। ये टूल्स बताया, इस टूल्स को भी हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, इसके बाद इसका सिलेक्शन कर सकते हैं और एक साथ पूरा फ्रेम हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या अलग अलग बबल्स को भी हम सेलेक्ट करके इसकी डिजाइनिंग को अलग अलग यूज कर सकते हैं। इस डिजाइन को मॉडिफाई करके आप अपने अकॉर्डिंग, यदि आप चाहते हैं कि अलग अलग भी उसको निकालें तो अलग अलग भी इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया, और इसको रोटेट करा दिया,
इस तरीके से आप कोई भी बबल्स डिजाइन कर सकते हैं। एक तो मैंने ये डिजाइन आपको बताई, ये डिजाइन हमने रख दिया। दूसरा मैंने काउंटर का यूज आपको बताया ही था, फिर मैं एक काउंटर्स का यूज भी बता देता हूं ऊपर। ये हमने एक डिजाइन बनाई, इसको हमने सेलेक्ट किया, जो डिजाइन आप इसके माध्यम से बना रहे हैं उस डिजाइन को आप आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। ये देखिए, एक तो इसका यूज ये है। दूसरा यूज मैं आपको बता दूं, हमने एस्ट्रिक बनाया, इसमें कोई भी कलर फिल कर दिया, ओके, इस पे गए, इसको छोटा करना है आपको और इस टूल्स का यूज करना है। ये देखो, इसको थोड़ा सा डिफरेंस कलर देना है। यहाँ पे जो व्हाइट कलर दिखता है, ये व्हाइट कलर को आपको ड्रैग करना है और जितना ड्रैग करेंगे उतने अच्छे कलर ये बनाएगा। इस पॉइंट से आप इसको बड़ा कर सकते हैं और इस पॉइंट से इसको जितना छोटा देना उतना छोटा डिजाइन ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक डिफरेंट लेयर तैयार की। इसको तैयार करने के बाद आप इसको अपने अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगो डिजाइन किए जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। आज मैं उसी के लिए डिजाइनिंग अलग ढंग से बता रहा हूं कि आपको किस टाइप का लोगो डिजाइन करना है। ये देखिए, एक छोटा सा मैंने इसको यूज कर लिया। जितना छोटा आप देना चाहें उतना छोटा आप दे सकते हैं। बेसिकली आप इस पे कितने पॉइंट यूज करना चाहते हैं ये भी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। छोटा सा लेकिन कलर डिफरेंस थोड़ा सा अलग देंगे हम। कलर डिफरेंस हमको अलग यूज करना होगा, डिफरेंट कलर भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, जो कलर आपको अच्छा लगे यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, ये आपने एक डिजाइन तैयार किया। इसके बाद यहाँ पे इसमें टूल्स का भी यूज कर सकते हैं आप। ये पेंगिंग टूल्स भी जो आपको पाए जाते हैं, ये मैंने इसको रखा।
अगला यूज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी डिजाइन हमने बनाई और उस टूल्स के माध्यम से उस डिजाइन के जो पॉइंट हैं उन पॉइंट को मूव करा करके हम अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। ये इसमें टूल्स का यूज बताया हमने, एक छोटा सा हमने डिजाइन तैयार किया। आप इसमें राइट क्लिक करके और पावर क्लिक के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, फिर को फ्रेम भी कर सकते हैं। यदि हमारा फ्रेम अधिक बड़ा होता यहाँ पे हम उसको फ्रेम को यूज कर सकते थे। हम इसको स्लाइड में किया और इस फ्रेम पे हमने उसको यूज कर लिया। देखिए टेक्स्ट के अंदर उसको हमने यूज किया जो लोगो हमने बनाया, ये देखिए इस टेक्स्ट के अंदर हम दिखाई दे, ये देखिए हम चाहते तो इस फ्रेम में भी उसको यूज कर सकते थे। फ्रेम में यूज करने के लिए क्या करना है आपको, आप इसको सेलेक्ट कीजिए पावर और इस फ्रेम में क्लिक करिएगा। ये देखिए जब आप इस फ्रेम में क्लिक करेंगे तो आप इसको सेंटर भी यहाँ से कर सकते हैं, फ्रेम टू फिट प्रॉपर्टी, ये देखिए ऑटोमेटिक फिट प्रॉपर्टी में सेट ऐसे। तो इस प्रकार की कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पावर क्लिक इसमें किया, इसके अंदर देखिए टेक्स्ट भी आप बना सकते हैं। पावर क्लिक का बहुत बड़ा यूज है। पावर क्लिक से क्या होता है, देखिए सारे बाइंड हो गए, अब हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, ये हमको बेनिफिट मिल जाता है। ये ग्रुप के रूप में है, देखिए ग्रुप ऑब्जेक्ट है, इनको ब्रेक किया जा सकता है, अलग अलग हम ब्रेक भी कर सकते हैं इनको, अलग अलग इनको निकाल भी सकते हैं। ये हमारे ग्रुप के रूप में है और इसको भी हम बाइंड इसमें करा सकते हैं। पावर क्लिप के रूप में हमने जो बनाया डिजाइन उसको हमने बाइंड कर दिया। ये आप मान के चलिए आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे, यहाँ पर आपको लीव्स जो जो हम टास्क परफॉर्म किए होंगे यहाँ से दिख रहा है, कर्व है, आर्टिस्ट है, ये आपको दिख रहा है। ऑर्डर मान लीजिए हमको चेंज करना है तो फ्रंट लेयर, बैक, फॉरवर्ड वन, बैक वन, फ्रंट लेयर, ये देखिए ऐसा फ्रंट में आ गया। कलर इसका आप डिफरेंट दे सकते हैं, जो भी कलर देना चाहें वो कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये देखिए इसको हमने फ्रंट में कर दिया और इसको हमने सही तरीके से सेट किया। ये चूंकि पूरा ग्रुप में है, ग्रुप में आप एडिटिंग कर सकते हैं। कर्व भी यदि आपको चाहिए उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर सेट कर सकते हैं। यहाँ से फ्रंट लेयर देखिए कर्व भी आ गया, बैक में इसको देना है तो आप यहाँ से बैक में भी दे सकते हैं, बैक वंस। एक इंटरेक्टिव डिजाइन को हमने डिजाइन किया, ये डिजाइन हमारी आ गया। Okay. जब ये डिजाइन हमारी आ गई इसको हमने यूज कर लिया, आप इसमें आप मैश ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट कलर को यूज करने के लिए। और इंटरेक्टिव फिलिंग का भी यूज किया जा सकता है। ये डिजाइन तैयार हो गई। इस प्रकार से आप इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में एक अनुरोध कर रहा हूँ, आप इन टूल्स यूज करिएगा। देखिए जितना अच्छा आप कोरल ड्रॉ चलाएंगे उतनी अच्छी डिजाइनिंग।